नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर पुलिस चाह ले किसी अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है। हालांकि अपराधी को पकड़ने के बाद भी कई बार गुत्थी नहीं सुलझती, खासकर जब मामला किसी बड़े नेता की हत्या से जुड़ा हो। अमेरिका के एक राष्ट्रपति की हत्या का रहस्य 60 साल से अनसुलझा है। यूरोप के एक प्रधानमंत्री के हत्यारे का सुराग 37 साल बाद भी नहीं मिल पाया है। आखिर क्यों? इसी की पड़ताल करने के लिए हमने बनाई है ये स्पेशल टेली सीरीज हत्या, द ट्रैप्ड ट्रूथ्स, जिसके पहले एपिसोड में देखिए शूट आउट, शेडोज ऑफ अनार्की, इक्वाडोर के एक नेता की हत्या की कहानी, जिसके हत्यारों को पकड़ने के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि हत्या का मकसद क्या था। अगस्त 2023, क्विटो, इक्वाडोर। समय शाम 6:20। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। खोजी पत्रकार से नेता बने फर्नांडो विलाविसेंसियो क्विटो शहर के उत्तरी हिस्से में चुनाव रैली करके बाहर निकले। फर्नांडो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और एक महीने पहले ओपिनियन पोल में 13% से ज्यादा लोगों के समर्थन के दम पर वो 8 उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर थे। समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों से घिरे फर्नांडो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि गोलियों की आवाज से भगदड़ मच गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक फर्नांडो खून से लथपथ गिरे पड़े थे। उनके सिर में 3 गोलियां लगी थी। फर्नांडो को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों के लिए कुछ बचा नहीं था। फर्नांडो की मौत हो चुकी थी। इस ऐलान के साथ ही क्विटो की पुलिस ने दावा किया कि जवाबी गोलीबारी में हमलावर भी मौके पर ही मारा गया। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से 11 दिन पहले फर्नांडो विलाविसेंसियो की हत्या की जानकारी इक्वाडोर के राष्ट्रपति विलेर्मो लासो ने दी। उसके साथ ही ये ऐलान भी हो गया कि फर्नांडो की हत्या का राष्ट्रपति चुनाव पर कोई असर नहीं होगा, वोटिंग पहले से तय तारीख पर ही होगी। फर्नांडो के समर्थक चुनाव भूल चुके थे। उनके जहन में एक ही सवाल था कि हत्या किसके इशारे पर और क्यों हुई। ये आसान सा दिखने वाला सवाल कितना पेचीदा है, ये समझने के लिए आपको इक्वाडोर का हाल और फर्नांडो की गुजरी जिंदगी की कहानी बताते हैं। फर्नांडो ने इक्वाडोर के पड़ोसी देश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता का कोर्स किया था लेकिन पढ़ाई के बाद वो 1995 में राजनीति में उतर गए। उन्होंने लेफ्ट विंग के कुछ नेताओं के साथ मिलकर अपनी पार्टी बना ली। 1996 में फर्नांडो ने इक्वाडोर की सरकारी तेल कंपनी में नौकरी की और मजदूर यूनियन के नेता बन गए। सत्ता के खिलाफ उनके तीखे तेवरों से तंग आकर 1999 में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिन पिज्जा की दुकान चलाने के बाद फर्नांडो ने पत्रकारिता शुरू की। खोजी पत्रकार के तौर पर उन्होंने इक्वाडोर में भ्रष्टाचार की पोल खोलनी शुरू की जिससे वो नेताओं और अफसरों के निशाने पर आ गए। ये आरोप भी लगा कि फर्नांडो विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। इक्वाडोर उन दिनों इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया का अड्डा बन चुका था। पड़ोसी देश पेरू और कोलंबिया से कोकेन की स्मगलिंग के लिए इक्वाडोर के समुद्री रास्तों का इस्तेमाल हो रहा था और तस्करों के बीच गैंग वॉर की चपेट में इक्वाडोर बुरी तरह फंस चुका था। फर्नांडो अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में लगातार ये दावा कर रहे थे कि भ्रष्ट सरकार ने ड्रग्स माफिया से हाथ मिला लिया है। इसी बीच एक और घटना हुई। 30 सितंबर 2010, क्विटो, इक्वाडोर। इक्वाडोर में सेना और पुलिस के ढेर सारे अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया। इक्वाडोर की संसद पर विद्रोही जवानों ने कब्जा कर लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने कुछ घंटों में हालात संभाला लेकिन फर्नांडो ने जो पार्टी 1995 में बनाई थी उसका आरोप था कि इक्वाडोर की सरकार निकम्मी है। फर्नांडो की पार्टी और इक्वाडोर के पत्रकारों का दावा था कि तख्ता पलट की साजिश के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था जिसके एजेंट साल 2008 से ही इक्वाडोर की सेना और पुलिस में घुसपैठ कर चुके थे। इसके बाद फर्नांडो विलाविसेंसियो इक्वाडोर की सरकार के टारगेट पर आ गए। उन्हें 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई। फर्नांडो ने अमेरिका में शरण मांगी लेकिन उन्हें
मायूस होकर इक्वाडोर लौटना पड़ा। इक्वाडोर में वो अंडरग्राउंड हो गए और बाहर तब आए जब सजा की मियाद खत्म हो चुकी थी। उसी के बाद फर्नांडो राजनीति में सक्रिय हो गए। साल 2017 में फर्नांडो को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की गई। कानून की मदद से वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए। चुनाव हारते ही फर्नांडो को जासूसी करने और देश को बेइज्जत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वो इक्वाडोर से फरार होकर पेरू चले गए और अपने खिलाफ लगे आरोपों के रद्द होने के बाद ही वापस लौटे। साल 2021 में फर्नांडो इक्वाडोर के संसदीय चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे। भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को मुद्दा बनाकर वो आम लोगों में तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे थे। 2 सितंबर 2022 को फर्नांडो ने आरोप लगाया कि रात में 10 बजे उनके घर पर फायरिंग की गई, जिसमें वो, उनकी पत्नी और बच्चे बाल बाल बच गए। जनवरी 2023 में इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलर्मो लासो पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। उन आरोपों को इक्वाडोर की संवैधानिक अदालत ने मंजूरी दी तो राष्ट्रपति लासो के खिलाफ 16 मई को महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ भी बड़ा बवाल फर्नांडो के नाम पर ही हुआ। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि फर्नांडो महाअभियोग की प्रक्रिया में रोड़े अटका रहे हैं। अगले दिन यानी 17 मई 2023 को राष्ट्रपति लासो ने इक्वाडोर की संसद भंग कर नए चुनावों का ऐलान कर दिया। चुनाव प्रचार में अपनी हत्या से एक दिन पहले फर्नांडो ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी जो एक तेल कंपनी से संबंधित थी। कुछ दिन पहले फर्नांडो ने शिकायत की थी कि उन्हें मेक्सिको से ऑपरेट करने वाले ड्रग्स तस्करों के गिरोह सिनालोआ कार्टेल से लगातार धमकियां मिल रही हैं। फर्नांडो के परिवार और समर्थकों को मालूम था कि उनकी जान के दुश्मन राजनीति में भी हैं, सत्ता में भी और संगठित आपराधिक गिरोहों की भी खूनी नजर फर्नांडो पर है। इक्वाडोर की सरकार और राजनेताओं को संदेह से बाहर निकालने के फर्नांडो की हत्या के कुछ ही घंटों के अंदर ये दावा किया गया कि ये दुस्साहस कोलंबिया के आपराधिक गिरोह की है, जिसके 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच इक्वाडोर के एक आपराधिक गिरोह लॉस लोबास के नाम से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें फर्नांडो की हत्या की जिम्मेदारी इस गैंग ने कबूल की। लेकिन जल्द ही पता चल गया कि ये दावा झूठा है। जिस हत्याकांड में इक्वाडोर की सरकार कोलंबिया के गिरोह का हाथ बता रही है, उसमें लोकल गैंग के नाम से वीडियो जारी होने का एक ही मतलब निकाला जा रहा है कि फर्नांडो की हत्या का पूरा सच शायद कभी बाहर नहीं आएगा। इसकी वजह भी जान लीजिए। 7 जुलाई 2021, पोर्ट ऑ प्रिंस, हेती। समय आधी रात 1 बजे। हेती के तत्कालीन राष्ट्रपति जोवेनल मोइस को राष्ट्रपति भवन में ही गोलियों से भून दिया गया। हमले में उनकी पत्नी घायल हुई और कोई नहीं। इसकी जांच हेती से अमेरिका तक हुई। दावा किया गया कि अमेरिका में मौजूद हेती के कारोबारी ने कोलंबिया से 28 शूटरों को राष्ट्रपति की हत्या के लिए पैसे दिए थे। हेती की सरकार और अमेरिका की जांच एजेंसियों ने कुछ आरोपियों को पकड़कर केस सॉल्व कर दिया, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि राष्ट्रपति भवन में जब कोलंबिया से आए शूटर्स गोलियां बरसा रहे थे, तब राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी कहां थे।